हेलो गाइस, स्वागत करता है आपका एनएस लाइव। गाइस, सीएसके ने क्वालिफायर फर्स्ट में गुजरात टाइटंस को 173 रन का चुनौती दिया था। उसने टॉस हारने के बाद 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाए थे। टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ज्यादा 60 रन बनाए थे। गायकवाड़ 44 बॉल पे 60 रन जिसमें 7 चौके और 1 छक्के लगाए थे। वही कॉनवे अपनी टीम के लिए 34 बॉल पे 40 रन की पारी खेली थी। एंड गाइस, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे का बल्ला इस मैच में नहीं चल पाया। बेको नूर अहमद ने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे 3 बॉल पे 1 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए और हमारे जड्डू भैया 16 बॉल पे 22 रन ही बना सके। एंड गाइस, आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे और अवंती रायडू ने 17-17 रन बना पाए। मोइन अली 4 बॉल पे 9 रन बनाकर नाबाद रहे। और इसी तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने क्वालिफायर फर्स्ट में गुजरात टाइटंस को 173 रन का टारगेट दिया। गुजरात के लिए मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा ने 2-2 विकेट लिए और वहीं दर्शन नलकंडे, नूर अहमद और राशिद खान को 1-1 सफलता मिली। उसके बाद 173 रन के टारगेट का पीछा करने आई गुजरात की टीम, जिसमें रिद्धिमान साहा 11 बॉल पे 12 बनाकर आउट हो गए। उसके बाद हर मैच में शतक लगाने वाले शुभमन गिल इस मैच में नहीं चल पाए। वे 38 बॉल पे 42 रन बनाकर आउट हो गए। और वहीं जीटी के कप्तान हार्दिक पांड्या 7 बॉल पे 8 रन, शनाका 16 बॉल पे 17 रन, मिलर 6 बॉल पे 4 रन और राहुल तेवतिया 5 बॉल पे 3 रन बनाकर आउट हो गए। और राशिद खान 16 बॉल पे 30 रन और नीलकंडे 1 बॉल पे 0 रन। मतलब सीएसके की टीम गुजरात पे इतना दबाव डाल दिया, ऐसा फील हो रहा था कि सबके बल्ले पे ताला लॉक कर दिया। गाइस, गुजरात के किसी प्लेयर का इस मैच में बल्ला नहीं चल पाया। और मोहम्मद शमी 5 बॉल पे 5 रन बनाकर आउट हुए और वहीं नूर अहमद 5 बॉल पे 7 रन बनाकर नाबाद रहे। और गुजरात की टीम का स्कोर 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 157 रन तक अटक गई। और ये मैच गुजरात चेन्नई से 15 रन से हार गई। हम लोगों को तो शुरुआत में लगा था कि चेन्नई हार जाएगी, मगर सीएसके है भाई। गाइस, आपको बता दें कि सीएसके जबरदस्त टाइप का दबाव डालकर ये मैच 15 रन से जीत गए। गाइस, आपको बता दें कि सीएसके के बॉलर दीपक चहर, थिक्षाना, जडेजा और मतीशा 2-2 विकेट लिए, वही तुषार देशपांडे 1 विकेट लिए। ओके गाइस, अगर आप लोग आईपीएल की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।